सलाम मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम। वीडियो का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से छोड़ा था, और जिसने वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें ताकि पार्ट वन देख लें और वीडियो का पार्ट टू आपको सही से समझ आए। तो भाई, काफ़ी घूमने फिरने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद, जूतियाँ घिसने के बाद एक टिकाऊ रिश्ता मिल ही जाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन अगर मैंने ये बुराई नहीं बताई तो लोगों को कैसे पता चलेगा? फिर अभी ये मारूंगा तीर, ये मर जाएगा कैमरा। फिर बात आती है मंगनी शंगनी की। पहले क्या होता था कि खानदान के चार बड़े जाते थे, खांसते हुए बहुत सी दुआओं के साथ बात पक्की कराते थे। लेकिन अब तो किया जाता है सही से शो ऑफ, और एक दूसरे को दिखाया जाता है कि अगर तुम टॉप हो ना तो हम भी बम से कम नहीं है। छोटे छोटे फंक्शन बड़े बड़े हॉल्स में किए जाते हैं ताकि रच के खर्चा हो। ऐसे फंक्शंस में हर लड़की की कोशिश होती है कि वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की तैयार हो। कुछ लड़कियां तो अच्छा खासा मेकअप कर लेती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा मेकअप करती हैं कि अपने मुंह को बिल्कुल होली का ग्राउंड बना लेती हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये लड़कियां तैयार भी इसीलिए होती हैं क्योंकि ऐसे फंक्शंस में बहुत से लड़कों की माएँ अपने लिए बहुएँ भी तलाश करती हैं। और लड़के भी किसी से कम नहीं होते, ऐसे फंक्शंस में अच्छा खासा फेशियल करवा के चमकता दमकता मुँह लेकर आते हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी लाइफ की स्टोरी यहीं से शुरू हो जाए। एक और राज की बात आज मैं बताती चलूँ। ज़्यादातर लड़कियों की कोशिश होती है इससे पहले मंगनी की जाए ताकि ईदी के नाम पे चूड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी और अच्छी खासी ईदी बटोर सकें। और इसी तरह लड़कों को भी ईदी के नाम पे सूट बूट कपड़े शपड़े सब कुछ दिए जाते हैं, जिसको देखकर उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यानी एक दूसरे को लूटने का कोई बहाना नहीं हाथ से जाने देते। कुछ लड़के वाले शादी से पहले देते हैं जहेज की लंबी लिस्ट, क्योंकि वो पहले फंक्शंस में देख चुके होते हैं कि लड़की वाले अपनी नाक ऊंची रखने के लिए घोड़ो घोड़ो तक कर्जे में डूबने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर लड़की वालों से आप कार मांगे ना तो वो जहाज देने के लिए तैयार होते हैं ताकि उनकी बेटी बिल्कुल रोब के साथ ससुराल में रह सके। लेकिन एक बात ये भी बताऊं, अगर यही जहेज के पैसे लड़की की तालीम और तरबियत, उसके मिलजुल के रहने, बड़ों से हुस्ने सलूक, इन सब चीज़ों पर लगाए जाए ना तो इतने टशन दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। खैर, मंगनी शंगनी से फारिग होने के बाद शुरू होती हैं शादी की तैयारियां। इन शादी के फंक्शंस में होता है मेहंदी, मायो, बारात, वलीमा और एक नया फंक्शन जिसे कहते हैं ब्राइडल शावर। यानी कि किसी कोने में किसी जगह पर कोई मनुष्यत की कमी ना रहने पाए। और उसके बाद बाबुल की दुआओं, आहों, सिसकियों में लड़की को किया जाता है रुखसत, और वलीमे में भी यही शोबाजियां चलती रहती हैं। मैं कहां हूं बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। इस तरह होती है एक पाकिस्तानी की शादी कंप्लीट। अरे भाई, लुडियां पाओ ते जलेबियां वड्डो। अब चूंकि ये मेरा चैनल है और मुझे आजादी राय का हक भी हासिल है, तो आपको मेरे मशवरे तो लेने ही पड़ेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अबे साले, सुनना तो पड़ेगा क्योंकि आजकल के हालात ने शादियों को बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। तो चलो चल के लेते हैं थोड़ा सा इन तमाम बातों का रिवाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लड़की देखने जाए ना तो पूरे खानदान की बजाय सिर्फ लड़का और उसके माँ बाप क्यों नहीं जाते, और इतना सारा खाने ठूसने के बाद इनकार क्यों कर देते हैं और अगले घर चल पड़ते हैं। और फिर शादी के फंक्शंस में नाच गाने के नाम पे खुल के की जाती हैं बगैरतियाँ, और उसके बाद लड़की को रुखसत किया जाता है कुरान पाक के साए में, क्योंकि ना ना इस्लाम की तालीमात पे तो हमने अमल ही नहीं करना। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अफजल शादी वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो। और जहाँ तक जहेज की बात आती है ना, तो अगर लड़का लंगड़ा लूला है, कमाने के काबिल नहीं, तो चलो भाई आने वाली के जहेज पे ही राज करो। लेकिन अगर हट्टे कट्टे होते हुए भी जहेज लेते हो ना, रख दे नायक तेरे मुंह पे। लेकिन भाई, कुछ लड़की वाले भी कम नहीं होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि संस्कार के अलावा लड़की को ब्राइडल ड्रेस से लेके बाथरूम की चप्पल तक देनी चाहिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं। और जहाँ तक जहेज लेना गलत बात है ना, वहीं पे भारी हक महर लिखवाना भी गलत बात है। आखिर क्या डर होता है? हमने शादियों को इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? जरा अपनी आंखें तो खोलें। इन्हीं सब चीजों की वजह से ना लड़कियों को बोझ समझा जाता है। मैं तो कहती हूँ सादगी से निकाह, हक मेहर हल्का और वलीमा होना चाहिए, फिर देखो कोई लड़की किसी को बोझ नहीं लगेगी। और तुम सब मुझे बताओ कि आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।